الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله ما شئت واجبات التكبير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
كلمتهم وأحوى أثارهم وأقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تقوم ذلك وجب من أول صبح يوم العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتكم وصيامكم معلقات بين السماء والأرض حتى أدوا صدقة الفطر. ईद के मौके पर अक्सर हमने बड़े लोगों को गले मिलते हुए दिखाया, लेकिन यहाँ पर हमारे गार्ड है, इनसे जो है खिदमत पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं, इनको भी हम हमारी तरफ से ईद मुबारक देते हैं। अंजुमन इस्लाम और हमारे सबके तरफ से सभी को ईद मुबारक। पूरा महीना रोजा और इबादत में गुजरा, आज खुशी का मौका है, सब मिलके खुशी मनाएं, आपस में भाईचारा बढ़ाएं। हर इंसान हमारे शहर में, हमारे स्टेट में और हमारे वतन में दुआ करें कि हर इंसान दो वक्त की रोटी खाए और सब मिल के रहे। अमन और शांति से ही हमारे वतन की तरक्की होगी और भाईचारा से सबके बाकी वालों की तरक्की और खुशहाली बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको, आपके घर वालों को, बड़ों को, छोटों को, बच्चों को बहुत 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 ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक। खुश रहिए, खुश रहने की आदत डालिए, खुशी बड़ों की खिदमत में और बच्चों के प्यार में मिलती है।
हम एक दूसरे को तो मोहब्बत करते ही है आपस में, सबको प्यार से देखने की और सुनने की कोशिश करें। अल्लाह हिदायत दे, हमें हर गुनाह से करने से बचाए, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की ताकत दे, आमीन। और सबसे बढ़ के हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक कौम की शान बनाए कि भाई ये एक अजीम कौम है, बेशक उसमें कोई शक नहीं है, साबित करना है, दिखना है, खिल के कोशिश करें इंशाल्लाह। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत अस्सलाम वालेकुम, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल फितर की, और बस ऐसी सब घुल मिल के रहे, सब खुश रहे और बहुत ही अच्छा जश्न मनाए, लेकिन सबका ख्याल रख के बनाए। अस्सलाम वालेकुम, बेलगाम के सभी मुसलमानों को अंजुमन की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। बेलगाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आज सबको आज ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, पूरे बेलगाम शहर के वासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। बेलगाम शहर के बेलगाम के तमाम लोगों को मेरे जानिब से मुबारक। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आज जिस खुशी का माहौल है, जिस तरीके से 30 रोजे रखकर 30 हमारे तरावी अदा करके इस तरह से आज खुशी हो रही है, और ईदगाह में जो जमे गफीर है आज, माशाल्लाह कबीले मुबारकबाद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज ईद उल फितर का दिन है, और आज का दिन जो है नफरत को मिटाकर मोहब्बत बांटने वाली और गरीबों को जो है गले लगाने वाली ईद है, और इस ईद की जो है खुशियाँ और इस ईद की जो है ईद के मुनव्वर नूर से जो है अल्लाह ताला हम सबको नवाजे, और खुसूसन जो है मेरे बेलगाम के मुसलमान भाइयों को आज ईद उल फितर की शुभकामनाएं, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तमाम शहरन बेलगाम वालों को, हम तमाम मुसलमानों की तरफ से ईद मुबारक, ईद की तमाम खुशियाँ, और अल्लाह इस दिन को हमारे लिए मकबूल बनाए। अस्सलाम वालेकुम, सहारा फाउंडेशन की जानिब से तमाम बेलगाम के और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, शिफा वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से बेलगाम के तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आज तमाम बेलगाम के मुसलमान भाइयों को और बेलगाम वालों को हमारे तरफ से ईद उल फितर की आज ईद मुबारक।